जैसा कि आज हमारा दूसरा ट्रेनिंग सेशन है, सेकेंड ट्रेनिंग सेशन में राइट। आज का हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन और टीम वर्क के ऊपर। मैं टीम वर्क के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक चार मित्र थे, उसमें से चारों में काफी गाड़ी मिलता था, बहुत अच्छा बॉन्डिंग अच्छा लोग। उसमें से तीन जो थे, अक्सर होता है कि मित्र में कोई ओवर स्मार्ट होता है, या उसको एक्सेलेंट बोलिए, जीनियस बोलिए, जो भी बोलिए, ब्रिलियंट होता है। ऐसे सभी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। टीम वर्क में वो चार मित्र थे, तीन इंजीनियर पैसे से इंजीनियर थे, और सबों में एक अपनी अपनी खासियत थी। लेकिन चौथा व्यक्ति जो था, वो क्या था, व्यवहारिक ज्ञान में उत्तम था। तो एक बार जंगल में लोग जा रहे थे, चारों तीनों अपने अपने हिसाब से एक पेड़ के नीचे, चारों एक पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां पे कुछ हड्डियां उनको दिखाई, तो चारों का कंक्लूजन ये था, चारों मित्र बोलते बोले कि किसी न किसी जानवर का है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, इसको हम सबको एक जगह इकट्ठा करके और इसको ढांचे में प्रवर्तित करते हैं और इस पर जान देते हैं। उनमें ऐसा एलिजिबिलिटी था, एक ने उसका फेवर तैयार किया, दूसरे ने उस पर मांस वगैरह डाला और ब्लड वगैरह डाला, तीसरे ने जब सब कुछ डाल दिया तो तीसरा जान डालने जा रहा था। उसके पास वो कैपेबिलिटी था कि उसको वो जिंदा कर सकता है। तो चौथे ने बोला कि रुक जाओ, जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान था, जो सांसारिक चीजों को जानता था, निर्णय ले सकता था, वो बोला रुक जाओ, अभी ये आकार प्रकार से सेव दिख रहा है, और अगर इस पे हम जान दे दिए तो हम में से चारों में से कोई नहीं बचेगा। वो तीनों को ये लगा कि इसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए ये हमें अपने उद्देश्य से भटका रहा है। ये कर नहीं सकता है, जान डाल नहीं सकता है, ये कुछ किया नहीं है, इसलिए इसके बातों को ना मानो। इसमें हम लोग जो अभी तक जो अथक प्रयास किया, उसका रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए हमको। नहीं मानने की वजह से ये चौथा व्यक्ति जो है वो पेड़ पे चढ़ गया। उसको पता था कि क्या होने वाला है, वो अपना कंक्लूजन के हिसाब से वो पेड़ पे चढ़ गया। वो तीसरा व्यक्ति जो था, उसने जान डाला, और आपको पता है उसने जागा, उसके बाद तीनों को खा दिया। तो यहाँ हमारा मोटिवेशन ये है, टीम वर्क क्यों जरूरी है, किसी को भी अपेक्षा के दृष्टि से नहीं देखना है। ग्रुप में चले और इकट्ठा होकर चले, बंच बनकर चले, तो हमें गोल निश्चित और हर हाल में मिलेगा।